हिंदू धर्म में कई प्रकार के देवी देवता विराज करते हैं, जिन्हें हम भली भांति जानते हैं और उनके लिए हुए अन्य अवतारों को भी हम काफी अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने ना जाने कितने महान कार्य किए हैं और पाप और अधर्म को खत्म किया है। लेकिन इन अवतारों के बीच कुछ ऐसे अवतार हैं जिन्हें रहस्यमय अवतारों की सूची में रखा गया है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को कुछ ऐसे ही रहस्यमय अवतारों से मिलवाएंगे जिन्हें हम सभी ने समय के साथ खो दिया है। सभी अवतारों में सबसे पहला अवतार है गंड भैरुंड अवतार। यह एकमात्र ऐसा अवतार है जिसके अवतार के अंदर से एक अवतार का रूप लिया गया था। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए अपना चौथा अवतार यानी नरसिंह अवतार लिया था, जिसका चेहरा शेर जैसा और बाकी का शरीर मनुष्य जैसा था, हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी जब नरसिंह देव का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब सभी देवी देवताओं ने नरसिंह अवतार को शांत करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करी, लेकिन सभी देवी देवता असफल रहे। तब ऐसे में सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्हें बताया कि भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा है, अगर यह क्रोध और बढ़ा तो पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे में भगवान शिव आधे हिरण और आधे शरव पक्षी के रूप में प्रकट हुए थे, जिसे शरद अवतार कहा गया, जिनके 8 पैर थे और हजारों शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। वह नरसिंह देव को शांत कराने पहुंचे, लेकिन नरसिंह देव नहीं माने। अंत में दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया और भगवान शिव के शरद अवतार ने नरसिंह देव को अपने पंजे में पकड़ा और दूसरे आकाश में ले गए। युद्ध के दौरान जब नरसिंह अवतार घायल होने लगे तो उन्होंने युद्ध के वातावरण को देखकर अपने आप को एक नया अवतार दिया, जिसे गंड भैरुंड नाम से जाना जाता है, जिसका स्वरूप एक बहुत बड़े पक्षी के रूप में है, लेकिन इनके लंबी गर्दन वाले 2 सर हैं। युद्ध के 18वें व अंतिम दिन में गंड भैरुंड ने अपनी चोट से शरद अवतार को घायल कर दिया, जिससे शरद अवतार की वहीं मृत्यु हो गई और उनका शरीर भगवान शिव में सिमट गया और गंड भैरुंड का गुस्सा भी शरद अवतार की मृत्यु से शांत हो गया। फिर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और भगवान विष्णु में सिमट गए। अगर हम बात करें तो आज भी दक्षिण भारत के कई मंदिरों में गंड भैरुंड की आकृतियां देखने को मिलती हैं और साथ ही आज भी दक्षिण भारत के लोग गंड भैरुंड को देवता के रूप में पूजते हैं। इनकी मान्यता इतनी है कि आज भी कर्नाटक के झंडों में गंड भैरुंड पक्षी का चिन्ह हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं नवगुंजर अवतार के बारे में। नवगुंजर अवतार को नवगुंजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका स्वरूप 9 जीवों के समान दिखता है और नवगुंजर अवतार श्री कृष्ण जी के ही अवतार हैं। वैसे तो आज भी नवगुंजर अवतार के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन इसके बारे में पहला और अभी तक का सबसे आखिरी उल्लेख सिर्फ अड़िया की महाभारत में देखने को मिलता है, जिसे 15वीं सदी में सरल दास ने अपने हाथों से लिखी थी और उन्हीं ने सबसे पहले नवगुंजर अवतार का उल्लेख किया था। नवगुंजर अवतार को 9 जीवों का सम्मेलन करके बनाया गया है, जिसमें सर मूर्ख का, गर्दन मोर की, कूबड़ बैल का और पेट शेर का, पूंछ सांप की और पीछे का पैर बाघ का, दूसरा पैर घोड़े का और आगे के 2 हाथ, जिसमें एक हाथी का और दूसरा हाथ इंसान का, जिसने हाथ में कमल का पुष्प लिया हुआ है। महाभारत युद्ध के बाद जब अर्जुन वनवास के दौरान एक चट्टान पर बैठकर तपस्या कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने नवगुंजर के अवतार में आकर अर्जुन के सोच समझ की परीक्षा ली। तब अर्जुन नवगुंजर अवतार जैसा जीव देख काफी डर गए थे और अर्जुन ने उस जीव को मारने के लिए अपना धनुष निकाला। तभी अर्जुन का ध्यान उस जीव के हाथ की ओर गया, जो कि एक मनुष्य का हाथ था और जिसने एक कमल का पुष्प पकड़ा हुआ था। तब अर्जुन समझ गए और उन्होंने अपना सर झुका लिया और कहा, प्रणाम माधव। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। नवगुंजर अवतार को अड़िया महाभारत के एक अध्याय में जिक्र के रूप में दिखाया गया है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि अन्य महाभारत के ज्ञान भी हम सभी को ग्रहण करने चाहिए। अगर हम तीसरे अवतार की बात करें तो वह कोई अवतार नहीं, बल्कि यह एक देवी के वाहन है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम सबसे आखिरी जीव के बारे में जानकारी लेते हैं। यह वाहन गंगा देवी का वाहन है।
जिसे मकर के नाम से जाना जाता है, जिसका स्वरूप भी अन्य जीवों से मिलकर बना है, जिसे कुछ इस तरह से वर्णित किया है, जिसका शरीर मछली के समान प्रतीत होता है और मस्तक हाथी के मुंह के समान होता है, जबकि जबड़ा मगरमच्छ के समान प्रतीत होता है और इनकी पूंछ कहने को तो मोर के पीछे के आकार के अनुसार ही प्रतीत होती है, लेकिन कुछ किस्से कहानियों की बात माने तो वह किसी और जीव के पीछे का हिस्सा है, क्योंकि मोर को समुद्र व किसी प्रकार के जल में रहने वाले जीव के अनुसार नहीं बनाया गया है और मां गंगा देवी ने अपना वाहन सिर्फ पानी में रहने वाले जीव को चुनकर बनाया है। इससे यह बात साफ हो जाती है कि मकर वाहन के पीछे का हिस्सा किसी और समुद्र में रहने वाले जीव का है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर इस कहानी में दी गई जानकारी आप सभी को सच्ची लगी हो तो ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें सहयोग दें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक भी कमेंट हमें नई वीडियो बनाने के लिए हमेशा उत्साहित करता है। तो हमारी वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करते रहें। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।